गाइस, तो आज है हमारे घर पार्टी, छठी का पार्टी जो 3 मंथ बाद हो रहा है। तो अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और यहाँ पे पार्टी की तैयारी हो रही है। तो ये देखिए, गेट बहुत अच्छे से डेकोरेट हो गया है, फ्लावर से हुआ है और यहाँ पे नीचे जो है पूरे कालीन बिछा हुआ है। और हमारे घर के जो कंपाउंड में जहाँ कार पार्किंग होता है, तो इतनी ज़्यादा स्पेस है ना, जहाँ पे 200 लोगों का पार्टी आराम से हो जाता है। तो यहाँ पे सारे खाने का जो काउंटर है वो लग रहा है, भैया यहाँ पे प्लेट अरेंज करके रख रहे हैं। तो यहाँ पे सारे खाने के काउंटर लगे हुए हैं और इधर जो बीच में स्पेस है, यहाँ पे लोग बहुत आराम से खा लेते हैं। तो गृह प्रवेश में भी हमारे यहाँ यहीं पे पार्टी हुआ था। ये पीछे वाला गेट है, तो और आगे आपको दिखाते हैं कि खाना वाना कहाँ बन रहा है। ये स्टोर रूम है, यहाँ पे खाने वाने का सामान रखा रहा है। तो ये देखिए, इधर पीछे जो बहुत खाली ज़मीन है, इधर ही पार्टी का खाना बन रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे। तो गाइस, अभी इवनिंग के 6 बज रहे हैं और हम हो गए हैं रेडी। मैं यहाँ पे पहनी हूँ ऑरेंज कलर की साड़ी। वैसे ना, मेरी जितनी भी साड़ियाँ हैं ना, सबके ब्लाउज मुझे थोड़े से टाइट आ रहे थे। मैं कोई और साड़ी पहनना चाह रही थी, बट उसका जो था ना, थोड़ा ब्लाउज थोड़ा सा टाइट हो गया था, तो वो मैं नहीं पहन पाई। तो मैं ये पहन ली हूँ। तो ये देखिए, और मैंने कुछ इस तरह से खुद का मेकअप किया है और ख़ुद को रेडी की हूँ। तो मैं कैसी लग रही हूँ ये ज़रूर आप लोग बताइएगा। और बड़ी मम्मी बन गई हूँ तो थोड़ा सजना धजना तो बनता है, क्योंकि हमारा बच्चा भी बड़ा होगा तो देखेगा तो कि बड़ी मम्मी कैसी रेडी हुई थी पार्टी में। तो चलिए, सभी लोग रेडी हो रहे हैं और यहाँ पे मैं पहनी हूँ ये कान का मम्मी दी है, जो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। तो देखिए, मैं रेडी हो चुकी हूँ और पतिदेव भी रेडी हो गए हैं। पतिदेव बस नॉर्मल सा मतलब शर्ट और जीन्स पहने हैं। और ये देखिए, मेरा बेटा भी रेडी हो गया है सूट बूट पहन के, और इसको ना अभी भूख लगा है तो इसे दूध पिलाया जा रहा है बेटू को। और यहाँ पे मैं बालकनी से दिखा रही हूँ, यहाँ पे पार्टी में लोगों का आना शुरू हो गया है और गिफ्ट भी आने लगे हैं। ये सारे रूम में गिफ्ट भर चुके हैं। तो ये है हमारे देवर जी और देवरानी, और ये हमारा छोटा बाबू, इन्हीं का ये बेटा है जिसका आज पार्टी है। और यहाँ पे मिलके हम देवरानी जेठानी कर रहे थे, थोड़ा मस्ती, थोड़ा सा डांस वांस कर रहे थे। इसी बीच में लोग भी आ रहा था बाबू को देखने। और यहाँ पे दीदी लेके बैठी है बाबू को। एक्चुअली नीचे बाबू ना बहुत रो रहा था, बहुत सारे लोग थे, बहुत ज़्यादा गैदरिंग था, इसलिए हम लोग नीचे नहीं जा पाए हैं। और सारे लोग ऊपर ही यहाँ आके बाबू से मिल रहे थे और गिफ्ट देके चले जा रहे थे। तो यहाँ पे पापा के जितने फ्रेंड हैं, रांची में हमारे जितने सारे रिलेटिव हैं, सारे लोग आए थे। और ये देखिए, मेरा बेटा एकदम से बहुत ही, इसको ऊपर आके ना बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहा था, नीचे गया था काफ़ी इरिटेट हो गया था, और इसकी वजह से हम लोग भी ऊपर चले हैं और नीचे हम कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर पाए हैं। वो फोटोग्राफर वो सारा रिकॉर्डिंग किया हुआ है, मेरे पास जो है वो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो इस ये बेचारा भी ना थक जा रहा है, सोच रहा है कि सारे लोग खा रहे हैं और मुझे बस दूध पिलाया जा रहा है। तो फिर से इसे भूख लग गया था, तो फिर से इसकी मम्मी इसको दूध पिला रही थी। बेटा मिला, मिला बेटा, मिला बेटू, बेटा बेटा, बेटू बेटू मेरा। अरे बच्चों, कितना स्मार्ट लग रहा है, नजर ना लगे किसी को ना। आइसक्रीम पार्टी नीचे चल रहा है, लेकिन बहु लोग ऊपर आइसक्रीम खा रहा है, क्योंकि नीचे पापा के बहुत सारे गेस्ट हैं जिसमें हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे सारे गेस्ट चले गए हैं, बस कुछ ही गेस्ट बचे हुए हैं। तो हम लोग खाना खाने आए हैं नीचे, तो मैं सोची थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे वैसे हम लोग का स्टार्टर ऊपर गया था, चाउमीन मंचूरियन वगैरह गया था। तो यहाँ पे तवा मटन भी था, मटन देखे एकदम से लालच आ रहा है। यहाँ पे फिश फ्राई था जो कि अभी इस ट्रे में ख़त्म है। और यहाँ पे बना था पनीर की सब्जी थी, मिक्स वेज था। और यहाँ पे था ये क्या बोलते हैं, दाल मखनी और राइस था। और यहाँ पे पूड़ी, सैलेड और रायता था, दही बारा था, और यहाँ पे स्वीट्स था। तो ये सारे आइटम बने हुए थे पार्टी में। ऐसे बहुत सारे गेस्ट आए थे, बहुत ज़्यादा लोग आया था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गया था। तो यहाँ पे मैं, मम्मी और मेरी देवरानी
हम तीनों जन बैठ के खा रहे हैं। दीदी पहले ही खा के चली गई थी। तो दोस्तों पार्टी बहुत ही अच्छा था, बहुत टेस्टी खाना था। हम लोग आ गए खाना खा के ऊपर और यहाँ पे दीदी कर लिए अपना कपड़ा चेंज, सारे लोग कपड़ा अपना चेंज कर लिए और यहाँ पे पतिदेव आ गए तो थोड़ा बहुत इनका भी शूटिंग कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी बिजी थे सुबह से और सब लोग सोने जा रहे हैं। अभी रात के 12 बज रहे हैं और सब लोग काफ़ी थक गए हैं सुबह से। मतलब लेडीज़ लोग तो काफ़ी आराम कर, लेडीज़ लोगों बस पतिदेव लोग को थोड़ा सा इधर उधर भाग दौड़। तो गाइस मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाबू की जो पार्टी थी ना, वो छठी में पार्टी होता है एक्चुअली, वो नहीं हो पाया था, सबको छुट्टियां नहीं मिल रही थी। जैसे सबको छुट्टी मिली तो ये पार्टी हुआ और यहाँ पे गिफ्ट हमारे रूम में रखाया हुआ है। बाकी सारा गिफ्ट पापा के रूम में और दीदी के रूम में रखाया था। बहुत सारा गिफ्ट मिला था, बहुत ज़्यादा, जो कल हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे। तो गाइज मैं अपने इस छोटे से ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोगों को कैसा लगा हमारे यहाँ का पार्टी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाबा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।